ब्रेक के बाद आप सभी का साउल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए। डॉक्टर साहब अगले कॉलर इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, हमने ये टेस्ट कराया था अपना लिपिड प्रोफाइल। हाँ, जी। उसमें सेरम कोलेस्ट्रॉल निकला है 183। जी। सेरम कोलेस्ट्रॉल एचडीएल 62। सेरम कोलेस्ट्रॉल एलडीएल 89। सेरम कोलेस्ट्रॉल वीएलडीएल 31.2। सेरम ट्राइग्लिसराइड 156। कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो 2.95। एलडीएल एचडीएल रेशियो 1.45। क्या मुझे सिटी कोरोनरी टेस्ट कराना जरूरी है? देखिए ऐसा है, आपकी कोलेस्ट्रॉल थोड़ी सी ज्यादा है और आपकी ट्राइग्लिसराइड भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 180 के ऊपर है, उधर 150 के ऊपर है, तो ये दोनों ज़्यादा रहने से हम लोग को एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए कोई ब्लॉकेज हुई है कि नहीं। ये नहीं सोच लीजिए कोई इमरजेंसी है, आप जब भी दिल्ली या बड़े शहर में जाते हैं, कोई भी बड़े शहर में आजकल ये टेस्ट होती है सीटी कोरोनरी स्कैन, आप करवा लीजिए एक बार। और अगर इसमें कुछ भी ब्लॉकेज नहीं आती है तो आपको मैं दवाई भी लेने के लिए नहीं बोलूँगा, आपकी एचडीएल अच्छी है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, पर फिर भी मैं बोलूँगा आप एक बार सीटी कोरोनरी स्कैन करा के देखिए ब्लॉकेज है कहाँ, कौन सी ट्यूब में, अगर है तो या है ही नहीं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर उज्जैन से। हेलो 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 दिनेश जी बताएं। जी। क्या सवाल है आपका बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मेरे बड़े भाई हैं, उनका भी एंजियोग्राफी कराया है, दो मेन नलियों में ब्लॉकेज है और एक ब्रांच में भी 100%, तीनों में 100% ब्लॉकेज है। हाँ, जी। देखिए ऐसा है, उनके लिए जो आपने जो क्लीनिंग पाउडर बताया है, क्या ये उचित रहेगा? हाँ, ये ले सकते हैं आप। इसके लिए आप कार्डियो क्लीन के वेबसाइट में चले जाइए, उसमें www.cardioclean.com करके नाम मिलेगा, वहाँ पे जाके ये दवाई भी मंगा सकते हैं। पर उसके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका खान पीन रहन सहन हमारे हिसाब से होनी चाहिए, और आपको एक बार आके मेडिकल दवाइयाँ भी हम लोग से चेक करवा लेना चाहिए कि भी दवाइयाँ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड वो सारे फैक्टर्स अगर कंट्रोल्ड है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक इकोकार्डियोग्राम भी करना चाहिए देखने के लिए कि हार्ट में कितनी डैमेज ऑलरेडी हो चुकी है, पर डेफिनेटली 100 ब्लॉकेज है तो कुछ एडवांसमेंट तो हो ही चुकी है ब्लॉकेज में, तो आप एक बार मिलिए और एक बार कैंप जरूर कर लीजिए, उसके बाद आपका मन जैसा बोले वैसा ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कार्डियो क्लीन आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब चलिए अगले कॉलर का भी सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? हम जानना चाहते हैं मैडम, डॉक्टर साहब से जरा बात चाहिए ना। हाँ मैं हूँ, आप बताइए, सुन रहा हूँ मैं आपका बात। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम। और हमारा जी सो बीपी बढ़ जाता है बार बार, मैं दवा ले रहा हूँ अम्लोभास 80। हाँ हाँ जी। तो ये कभी कभी दवा हम रेगुलर 2-4-5 दिन नहीं खाते हैं तो जी। बीपी बढ़ जाता है। हाँ हाँ। और भी कोई आपकी परेशानी है? बीपी बढ़ने से परेशानी हमको आता है कि सुस्त नजर आता है और मैंने वीकनेस जैसा लगता है, बहुत ज्यादा हम थके हुए महसूस करते हैं। देखिए एक बार बता दूं आपको, जो ये ब्लड प्रेशर की दवाइयां है, ये जो आप एम्लोप्रेस 80 एम्लोवास 80 ले रहे हैं, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, वो आज लेंगे तो आज के दिन कंट्रोल रहेगा, कल लेंगे। ये जो एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं, ये हम लोग जब मुंह में डाल देते हैं ये स्टोमक में जाती है, स्टोमक से इंटेस्टिन में जाती है, इंटेस्टिन से ब्लड में जाती है और फिर ब्लड से ये किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगर ये दवाई एक दिन का काम कर देगा तो एक दिन के बाद उस दवाई का असर खत्म हो जाता है, तो आप अगर एक दिन लेंगे तो आज के दिन कंट्रोल रहेगा, कल लेंगे कल का दिन कंट्रोल रहेगा, परसों लेंगे परसों का दिन कंट्रोल रहेगा। तो आप ये जो बोल रहे हैं ना कि दवाई हटाते ही बीपी बढ़ जाती है, तो कॉमन बात है, ये एलोपैथी की दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को जड़ से हटाती नहीं है, उसके लिए जो ज़रूरत है आप अपना तनाव कम करें, योगा करें, वॉकिंग करें, स्ट्रेस कम करें, ये सबसे आपकी बीमारी ठीक होगी। नमक जरूर कम करिए और खाने में फैट कम करिए। हमारे हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर किताब है 201 टिप्स करके, उस किताब को पढ़िए, इससे आपको फायदा होगा। और आगे एक बार लिपिड प्रोफाइल भी चेक कराइए। डॉक्टर साहब हैदराबाद से एक और कॉलर। हेलो हेलो उषा जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, बताइए। आवाज कम करो। हेलो, हाँ मैं उषा धीर बात कर रही हूँ। जी। तो मुझे कोलेस्ट्रॉल देखिए मेरा इतना है 137 mg और ट्राइग्लाइस 62, एचडीएल 43, एलडीएल 82। और इसके बाद डॉक्टर ने मेरी क्या बोलते सिटी कोरोनरी एंजियोग्राम भी करवाया। हाँ, हाँ।
तो उसमें जो है सो कैल्शियम स्कोर जीरो है, कॉर्नरी आर्टरीज नॉर्मल ऑर्गन, राइट डोमिनेट सर्कुलेशन, LMCA नॉर्मल, LAD नॉर्मल, D1 मॉडरेट साइज, वेजल नॉर्मल, RAMS स्मॉल विजर नॉर्मल, LCX स्मॉल कैलिबर नॉर्मल, OMI लार्ज विजल नॉर्मल, RCA नॉर्मल, PDA नॉर्मल, PLV भी नॉर्मल। जी आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी ब्लॉकेज है ही नहीं, और आपकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जिस रेंज में उसमें ब्लॉकेज होना भी नहीं चाहिए था। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि अभी नेक्स्ट 10-20 साल तक आपको हार्ट को लेके कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हार्ट के हर पेशेंट ऐसा रिपोर्ट लाने लग जाए तो हार्ट की बीमारी जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी रिपोर्ट सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, और आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। CT करा लिया तो कम से कम ये मालूम है अभी नेक्स्ट 10 साल में हार्ट की बीमारी तो आपको आनी है नहीं। सो डोंट वरी, यू आर फाइन। डॉक्टर साहब चलिए अगले कॉलर राजस्थान से। हेलो। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, बताइए क्या सवाल है। डॉक्टर साहब मेरे को कभी कभी ना हार्ट में प्रॉब्लम सी होने लगती है, लगभग 5-6 साल से प्रॉब्लम है जी। ऐसे लगता है जैसे हार्ट एक सेकंड के लिए हार्ट में रुकावट आती है जी। और कोई चेकअप तो कभी नहीं कराया, बस साल में एक आध बार होती है, अपने आप ठीक हो जाती है। नहीं, आप एक बार चेकअप करा लीजिए, आप एक लिपिड प्रोफाइल कराइए और एक CT कोरोनरी स्कैन कराइए। CT कोरोनरी स्कैन आपके जयपुर में हो जाती है, वहाँ वो लोग कोई 8,000 रुपये लेते हैं, हमारे क्लिनिक से रेकमेंड करके ले जाइए। और एक लिपिड प्रोफाइल 500 रुपये की होती है, तो ये आप करते ही आपकी क्लियरिटी हो जाएगी हार्ट की है या नहीं है। अगर नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर है तो उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो दोनों काम में आपको मदद मिल जाएगी, आप दोनों टेस्ट करवाइए ज़रूर। डॉक्टर साहब अगला सवाल आपसे करना चाहूंगी मैं। आप एक टर्म यूज करते हैं AMC, यानी एप्रोप्रिएट मेडिकल टर्म, इसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में बताएं। देखिए ये AMC हमने जैसे मशीनों में AMC किया जाता है, वैसे एक टर्म हम लोग ने यूटिलाइज किया है, एप्रोप्रिएट मेडिकल कवर। लाइफस्टाइल चेंज हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, पर उसके संग एलोपैथी की दवाई को हम मना नहीं कर रहे हैं। एलोपैथी की दवाई हम यूज़ करते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, मुझे एलोपैथी की दवाई लगता है सही चीज़ है। लेने से आज के दिन उनकी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाए, BP कम हो जाए, शुगर कम हो जाए, एंजाइना कम हो जाए, ब्लड पतला हो जाए, तो ये दवाइयाँ हम यूज़ करना चाहते हैं। पर इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये दवाइयाँ उस हिसाब से यूज़ करो जिससे कोलेस्ट्रॉल लोएस्ट आ जाए, ट्राइग्लिसराइड लोएस्ट आ जाए, BP लोएस्ट आ जाए। तो ये अप्रोप्रिएट मेडिकल कवर ये पूरी होनी चाहिए। इस अप्रोप्रिएट को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट 200 कोलेस्ट्रॉल होता है बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, ये नहीं चाहिए मुझे। अप्रोप्रिएट मतलब मेरे को 130 ही चाहिए, तो 130 के नीचे ले आए इतनी दवाई लेनी होगी। ट्राइग्लिसराइड मुझे 100 से कम चाहिए उतनी दवाई लेनी होगी। BP 120-80 चाहिए तो मुझे दवाई उतनी दो जितना मुझे उतना मिल जाए। तो एक बात ये समझ लीजिए, आप अगर दवाई ले भी रहे हैं और कंट्रोल नहीं है तो फिर बेकार है, अप्रोप्रिएट है ही नहीं, वो तो इनअप्रोप्रिएट हो गया। तो आपको लेना होगा उतनी दवाइयाँ जिससे आपकी पूरी चीज़ कंट्रोल हो जाए, और इससे आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी। देखिए एलोपैथी दवाई की एक फ़ायदा है कि आज आपकी BP कम करना, मैं आज दवाई दूंगा, आज के दिन कंट्रोल हो जाएगी, आज के दिन ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल शुगर हर चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अप्रोप्रिएट दवाई लेने में दिक्कत नहीं है। अगर आपको चलने में दर्द हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, मैं दवाई देके उसको कम कर देता हूँ। तो दवाइयाँ एडिक्वेट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ऑप्टिमम फिगर्स को ला देना चाहिए। अगर ये नहीं लाते तो दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जैसा आप बोलते हैं कि लाइफस्टाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो साथ ही उतना ही मेडिकल जो मेडिसिन है हमारी वो भी बेहद ज़रूरी है प्रॉब्लम को कम करने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए, थैंक यू सो मच। दर्शकों आज के लिए हमारे कार्यक्रम में इतना ही। डॉक्टर साहब ने जो भी जानकारी दी है, जो भी टेस्ट आपको रिकमेंड कर रहे हैं, साथ ही जो साउल ट्रीटमेंट बताते हैं, तो उनको आप फॉलो करिए, अपनी हार्ट प्रॉब्लम को उसके माध्यम से आप दूर करिए। मुझे भी अभी दीजिए आज्ञा, नमस्कार।